गुड न्यूज प्रार्थना सभा जहानाबाद के सौजन्य से गांव गांव में क्रिसमस का सेलिब्रेशन जारी है। 31 दिसंबर तक लगातार लोगों के साथ क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर जहानाबाद के सिकंदरपुर में महादलित टोला में गुड न्यूज प्रार्थना सभा के सौजन्य से क्रिसमस महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुड न्यूज प्रार्थना सभा के संयोजक व अध्यक्ष कमलेश कुमार ने केक काटकर लोगों के बीच खुशियां तकसीम की। माहौल काफी खुशनुमा था। क्रिसमस का त्योहार सिकंदरपुर में बड़े ही हर्षोल्लास एवं भक्ति भावना के साथ मनाई गई। इस मौके पर प्रभु यीशु पर आधारित गीतों पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए नृत्य किया गया एवं प्रभु यीशु का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर कमलेश कुमार ने प्रभु यीशु का संदेश देते हुए कहा कि हम लोग कुछ नहीं हैं, जो भी हैं प्रभु यीशु हैं। प्रभु यीशु के बताए मार्ग पर हम सभी को चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने बताया है कि हमें हमेशा सत्य के साथ चलना चाहिए। गरीबों, मजबूरों और लाचारों की मदद करनी चाहिए। अहम को फेंक देना है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हम अहम करें यानी घमंड करें। सिकंदरपुर में लोगों ने कमलेश कुमार की बातों को ध्यान पूर्वक सुना और उस पर अमल करने की बात कही। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। अभी मैं क्रिसमस प्रोग्राम के लिए सिकंदरपुर गांव में है और आप देख रहे हैं कि महादलित लोगों के बीच में क्रिसमस प्रोग्राम हो रहा है। ऋषि जी का जन्म उत्सव सिकंदरपुर गांव में सब लोग महादलित लोग मांदर बजा करके और खुशी से नाच रहे हैं, गा रहे हैं और बड़े ही बहुत ही खुशनुमा माहौल यहाँ पे है सिकंदरपुर में। और देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे गा रहे हैं और ये गुड न्यूज़ फाउंडेशन की ओर से क्रिसमस प्रोग्राम है और हिमालय पर क्राइस्ट का यहाँ पे जन्म है और